चैप्टर फोर सॉइल, रिविजन ऑफ चैप्टर फोर सॉइल है ना। चैप्टर फोर दिया था मैंने, लर्न है सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, फिर जिस स्टूडेंट्स आंसर, जो स्टूडेंट आंसर देगा उसको स्टार दिया जाएगा, स्टार ऑफ द वीक अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या नाम है उसका, अक्षिका डोगरा, अंशिका डोगरा, सॉरी अक्षिका डोगरा। यस मैम। अंशिका आपने नेम्स लिखे हुए थे ना पहले? यस मैम। हाँ, उसके आगे फिर से आज नेम्स लिखेंगे जिस बच्चे को, स्टूडेंट को, वो पेज नहीं आपने वो करना है, टियर नहीं करना है। ठीक है, उसके आगे नेम लिखना है। ओके मैम, बट वो कॉपी आपकी वो स्कूल में ही है मैम, मैंने लाई थी। ठीक है, फिर आज की आप नोट कर लेना। ओके मैम। यस, अभी नहीं आशीष, क्या माइक ऑन करें? फोर्थ चैप्टर आता है, टेस्ट आता है, लाइट ऑन करके बैठो, लाइट ऑन करो या फिर कर्टन हटाओ पीछे से। मैम लाइट ऑन ही है, नहीं दिख रहा, फेस ही दिख रहा, कर्टन हटा। अब लाइट दिख रही है, थोड़ा पीछे होके बैठो। ठीक है, कैमरा खिड़की के साइड रखो, फोन खिड़की के, विंडो के साइड रखो, जो आपके पीछे विंडो है ना, हाँ उसके साइड कैमरा रखो, फिर बैठो, फिर फेस दिखेगा। हाँ अब लाइट आ रही है। अब ठीक है, ये ब्लैंकेट रखा हुआ है ऊपर कैमरे के ऊपर? यस मैम। क्यों, ठंड लग रही है? मोबाइल? नो मैम। ओके, चैप्टर आता है, टेस्ट आता है बेटा? नो मैम। किसको नहीं आता? मैम आशीष। अच्छा, इसको तो आएगा नहीं, कर ले कुछ। व्हाट इज सॉइल, अभिनय, व्हाट इज सॉइल? मैम सॉइल इज अ नेचुरल, सॉइल सब्सटेंस, नेचुरल। ओके, देन माइक से नहीं छेड़ो, माइक से नहीं, प्रॉपर माइक को ऑन ही रहने दो। यस, सॉइल इज अ नेचुरल सब्सटेंस। आगे लर्न करो, अभी सुनूंगी मैं, दोनों लर्न करें। यस हर्षित कटो, 1371। यस मैम। मैम द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट इज नोन एज सॉइल, इट हैज सैंड, क्ले एंड पेबल्स एटसेट्रा। वेरी गुड, स्टार दिया जाए हर्षित कटोच को। अंशिका? यस मैम। आपने भी अपने स्टार्स कलेक्ट करने हैं, सभी ने। हर्षित, डेट लिखनी है और आज कितने स्टार मिले हैं वो लिखने हैं। ठीक है? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट इज निशाली, 1329। निशाली? यस। निशाली, कैमरे के ऊपर से जो चीज रखी है वो हटाओ, वरना मैं क्वेश्चन नहीं सुनूंगी। कैमरे के ऊपर जो भी रखा हुआ है उसको हटाया जाए, अदरवाइज मैं क्वेश्चंस नहीं सुनूंगी। हाँ अब ठीक है, पहले क्या रखा था? ओके, वट आर द टू इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स इन कैलकुलेटिंग द परकोलेशन रेट ऑफ वॉटर इन सॉइल? माइक ऑन करें बेटा। निशाली आता है टेस्ट? नहीं आता। यस ऋषभ, 1320। ऋषभ? यस मैम। निशाली टेस्ट आता है? एक मिनट रुकना, निशाली टेस्ट आता है? मैम मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। आपको टेस्ट आता है?
नेक्स्ट इज ऋषभ 1320 बेटा कैमरा ऑन कर अपना अगर कैमरा ऑन है तो फिर ऊपर जो भी रखा हुआ उसको हटाएंगे मैम ऊपर कुछ नहीं है अच्छा व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन कैलकुलेटिंग द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल कौन कौन से पैरामीटर्स हैं बताएं कौन कौन से पैरामीटर्स हैं ये हालत है यस अक्षिता राणा यस मैम मैम द अमाउंट ऑफ वाटर परकुलेटेड एंड टाइम टेकन ओके गुड अंशिका इसका भी स्टार लिखो लिखना अक्षिता का भी अंशिका अक्षिता आप भी अपना बेटा कलेक्ट कीजिए स्टार नेक्स्ट इज दक्ष 3315 दक्ष 3315 यस मैम डिफाइन सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन बताएंगे क्या होता है टेस्ट आता है क्या सोचे सेकेंड टर्म का भी पेपर भी चीटिंग करके करना है यही थिंकिंग लेके चले हुए हो यस शुभम 1885 शुभम 1885 मैम क्या नेट है एक मिनट बेटा एक मिनट शुभम ऋषभ दक्ष लास्ट टाइम बोल रही हूँ कैमरा ऑन करके रिस्पॉन्स करो बेटा वरना कॉल आपके पेरेंट्स को जाएगी स्पेशली फादर को नहीं समझ में आ रही है बात यस दिव्यांश 1299 दिव्यांश 1299 यस मैम क्या होता है सॉइल इरोजन प्रियांशिस ने बुक खोली है प्रियांशिस ने बुक ओपन की है नो मैम हाँ इसको कैमरे के सामने रखो व्हाट इज सॉइल इरोजन बोलो बच्चे सॉइल इरोजन क्या होता है टेस्ट दिया था ना दो दिन से ऋषभ आंखें मत अपनी वो कर लर्न कर अभी सुनूंगी मैं हाँ क्या होता है सॉइल इरोजन प्रियांशी से टेस्ट तैयारी की है टेस्ट प्रिपेयर किया है इसने पढ़ने बैठता है ये यस मैम ना तो बोल क्यों नहीं रहा फिर बोल पूछ इससे क्यों नहीं बोल रहा आता है इसको यस मैम हाँ तो बोल ना फिर आता है तो बोलो जल्दी बोलो टाइम नहीं वेस्ट करना और स्टूडेंट्स की भी टर्न आनी है रियाशी स्लैप कर इसके फेस में आप क्यों कैमरे के आगे बैठे हुए हो इसको बिठाओ आगे जिससे पूछ रही हूं मैं क्या होता है सॉइल इरोजन स्लैप कर इसके फेस पे जोर से और जोर से एक और जोर से प्रियांशी हाँ आपको आता है सॉइल इरोजन नो मैम दिव्यांश आप भी शुरू हो जाओ ऐसे नहीं जैसे इसने दिया था इसने कैसे किया था
ऐसे किया था इसने, मींस इससे ज्यादा इसमें एनर्जी है, इससे ज्यादा इसमें एनर्जी है। कर कर अच्छे से। हाँ अब दोनों लर्न करेंगे सॉइल इरोजन में, पूछूंगी। सीट से नहीं उठना है, लर्न करेंगे दोनों जने। मैम कैन आई टेल? एक मिनट बेटा, अंशिका सबकी, अक्षिता सबकी टर्न आएगी। yes, आपकी टर्न आ गई है ना, अभी सबकी टर्न आएगी। नेक्स्ट इज ऋषभ 1320। ऋषभ 1320। यस मैम। टीवी चल रहा है? अच्छा टीवी देखा जा रहा है अभी। मैम वो सिस्टर फोन देख, मैम सिस्टर फोन देख रही है। थोड़ा कैमरा नीचे कर। टेस्ट आता है, सिस्टर को बुला, अपनी सिस्टर को बुला जरा सामने। बुला, माइक ऑन कर, माइक ऑन कर फटाफट। कौन नहीं आ रही है? छोटी है बड़ी है? मैम छोटी। बुला मैम, मैम बुला रहे हैं। और टीवी बंद करें, फोन बंद कर, नीचे कर थोड़ा कैमरा, मैंने देखना है उसको। बुला के ला, जल्दी कर, जल्दी टाइम नहीं वेस्ट करना है। दो मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं बोल, टू मिनट्स के लिए। मना कर रही है। अच्छा ठीक है, आप कैमरा थोड़ा नीचे करें। हाँ, व्हाट इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स? आता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स? अच्छे से और गला साफ कर। आता है? नो मैम। नो मैम, सिस्टर को बुला, सिस्टर को बुला, बुला सकते हैं। दो मिनट बुलाओ, कैमरा के नीचे साइड कैमरा कर, कैमरा कर बेटा। इधर आना, एक मिनट इधर आना बेटा, इधर आओ। आपका भाई पढ़ता है? पढ़ता है? थोड़ा पड़ता है, थोड़ा पड़ता है। आ सामने आना जरा, इसके सामने आना। स्लैप करना है इसके फेस में, स्लैप करना है इसके फेस में। करो स्लैप, जोर से, पूरी एनर्जी लगा दे, पूरी एनर्जी। देख अभी तक पूरी एनर्जी। बोल पड़ता क्यों नहीं है भाई, बोल इसको भाई क्यों नहीं पढ़ते हो? और सर एक और, एक और, एक और बेटा, शर्म आए, अभी हंस रहे हैं, अभी दांत निकल रहे हैं इसके। शर्म कर ले, छोटी बहन से मार खा रहा है। पढ़ ले थोड़ा, अभी लर्न कर, मैं सुनूंगी। नेक्स्ट इज समर 1400। समर हर्षित, जो क्वेश्चन नहीं आता है ना उसको लर्न करो बेटा। यस मैम। समर, वेयर इज समर? 1400 एग्जिट कर गया मैम, कैमरा ऑफ कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, क्लास से रिमूव होगा। नेक्स्ट इज शिव ठाकुर। शिव ठाकुर? यस मैम। टेस्ट आता है? नो मैम, मैम मेरी एक दो दिनों से क्लास नहीं लग रही थी मैम, सिग्नल नहीं था यहाँ पर। आपको सिलेबस मिल गया है कि फोर्थ चैप्टर टेस्ट में आएगा पेपर में? यस मैम। कितने दिन पहले से मिला? यस मैम। कितने दिन पहले मिला है सिलेबस? बहुत दिन पहले। तो क्या चल रहा है आजकल क्लास में, क्या करवा रहे हैं, कुछ लिखवाने का काम करवा रहे हैं?
रिवीजन से चली गई है ना? यस मैम। तो फिर कैसे करेंगे जब बायो का आपको फोर्थ चैप्टर ही नहीं आ रहा है तो कैसे पढ़ेगा? मैं दूसरा चैप्टर कर रहा था रिवाइज। कौन सा चैप्टर कर रहा था? मैं उसके क्वेश्चंस पूछती हूं। कौन सा चैप्टर कर रहा था? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आ रही है आपको रेस्पिरेशन पेपर में? नो मैम। अक्षिता रेस्पिरेशन मैम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल कर रहा था। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैम आ रही है। मैम आ रही है चैप्टर सिक्स। जस्ट वेट मैं पहले चेक करूं चैप्टर सिक्स है कि नहीं। मैम नहीं आ रही है। मैम 4, 5, 7 मैम 7 चैप्टर आ रहा है 6 की जगह। समझ में आया कौन से चैप्टर आ रहा है? हाँ यस चैप्टर नेक्स्ट आ रहा है आपको। हाँ ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स किया है शिव ठाकुर? यस मैम। चल कर बुक बंद अपनी फिर। यस मैम। What is the function of the heart? Ma'am, pumping blood. Pumping blood. Good. What is the function of flowing? Ma'am, flowing. Book bata, band hai book? Book dikha. Yes, ma'am. Ma'am, band hai. Haan, bata flowing. Ma'am, transport food. Transport of the nutrients. Good. How is water transported in plants? Ma'am, with the help of xylem. Good. ठीक है तो ये चैप्टर भी याद करो. Okay, Shiv Thakur. Yes, ma'am. अंशिका इसको भी स्टार्ट लिख दो. Shiv Thakur को भी स्टार्ट दो. Good. Yes, ma'am. Okay. Next is दिव्यांश एंड प्रियांशी बेटा कैमरे की तरफ नहीं देखो आप अपना लर्न करो. मैंने सुनना है कितने क्वेश्चंस लर्न किए. हो गया आशीष अभी ने आपको हुआ कोई क्वेश्चन लर्न? मैम थोड़ा सा रह रहा है। कौन सा क्वेश्चन लर्न हुआ बता? मैम सोयल। हाँ बता क्या होती है सोयल? मैम सोयल इज द अपेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ क्रस्ट। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट बोल। अर्थ क्रस्ट बोलो ना। अर्थ क्रस्ट अभी नहीं बोल। अर्थ क्रस्ट क्या हो रहा है? आशीष आप सुनाएंगे? आशीष क्या माइक ऑन करो पहले। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग।
सुना मुझे सॉइल सुना क्या लर्न किया माइक ऑन कर पहले नहीं करना माइक ऑन अभिनेश का माइक ऑन कर आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एम आई ऑडिबल आई एम क्लियरली ऑडिबल अभी नहीं आशीष अपना माइक ऑन करे बेटा वो सुनाई नहीं दे रहा है कि कुछ जानबूझ के नहीं सुन रहे हैं यस वृति यस मैम डिफरेंशिएट बिटवीन सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल ये मैम डिफरेंशिएट बिटवीन सैंडी एंड क्ले सॉइल यस मैम मैम द I'm differentiate between the layer of function planes and hilly. Bolo. Yes, ma'am. Ma'am, the difference between layer of soil formation in hilly region and in plain region is that the hilly region are usually in the layer of soil formed as the blowing winds. अब क्या बोल रहे हैं? Plain मैंने different चाहे sandy soil and clay soil का clay और sand soil में क्या difference होता है? कैमरा ऑन करेंगे भी मैम मेरा कैमरा ऑन है ब्लैक लग रही है हाँ मैम क्ले सोइल हैज अ टू थ्रेड पोजीशन ऑफ क्ले मैम प्रोपोर्शन ऑफ अच्छे से लर्न कर लर्न नहीं अच्छे से लर्न कर बेटा यस अंशिका डोगरा यस मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल Sandy soil has a large particles and a large air spaces between the particles. It is highly porous and water drain out quickly. आगे आपको अंशिका की स्क्रीन दिख रही है सबको नो मैम मैम कैमरा शायद बैक कैमरा ऑन है अंशिका अपना फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए वरना मैं नहीं सुनूंगी क्वेश्चन आंसर आपसे कैमरा ऑन होना चाहिए आपका यस हर्षित कटोच व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल यस मैम मैम सैंडी सॉइल मैम इट हैव लार्ज पार्टिकल्स मैम एंड इट मैम इट हैव लाइट मैम इट इज स्टिकी व्हेन वेट मैम इट हैव मैक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेरी गुड गुड जॉब हर्षित क्लैप्स करेंगे सभी हर्षित के लिए एवरीवन क्लैप फॉर हिम गुड वेरी गुड हर्षित अंशिका इसका एक और स्टार ऐड करो हर्षित अपना स्टार और कलेक्ट करो लिख लो स्टार टू स्टार्स दिए हैं आज क्या 2 December टू स्टार्स गुड नेक्स्ट इज अक्षिता राणा यस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हॉरिजोन एंड सी हॉरिजोन Yes, ma'am. A horizon, it is the uppermost layer of the soil made up of sand and small pebbles. And
मैम सी होरिजोन कंपोज्ड ऑफ बिगर रॉक स्पीसीज एंड कंसिस्ट ऑफ क्रैक्स एंड क्रोविसेस एंड मैम क्रिविसेस ओके वेरी गुड वन मोर स्टार अक्षिता राणा गुड एक और स्टार ऐड करेंगे यस शिव ठाकुर आपने भी फोर्थ चैप्टर लर्न कर लेना बेटा ठीक है यस मैम यस मैम कल के लिए टेस्ट आपको हमारा अब खत्म हो चुका है सॉइल वाला जिसने नहीं लर्न किया है वो पीछे रहेंगे ठीक है उनको ही प्रॉब्लम है पेपर की अगर प्रेपरेशन नहीं हो पाएगी फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है आएगा आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर है ना तो रिप्रोडक्शन प्लांट्स फर्स्ट 10 क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके आए ज्यादा नहीं दे रही हूं फर्स्ट 10 क्वेश्चन आंसर ऑफ योर ऑब्जर्वेशन बुक ठीक है फर्स्ट 10 क्वेश्चन फर्स्ट इज गिव द टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द प्लांट्स डिफाइन फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन ठीक है ये जो डायग्राम है ये किसका है इसको एक्सप्लेन करना है और टू एडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन पॉलन ग्रेन्स कितने करने हैं 10 करने हैं कि 5 करने हैं बोलो फटाफट मैम 5 मैम 5 5 5 मैम 6 तक हो जाएंगे हाँ 6 भी छोटा ही है तो फर्स्ट 6 क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके आना अगर ये भी नहीं होती ना लर्न फिर देखना बेटा तुम्हारा हालत खराब पूरा चैप्टर नहीं दे रही हूँ लर्न करने को ऑब्जर्वेशन के फर्स्ट 6 क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने आप समझ में आ रही है बात यस मैम हाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मैम गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ प्लांट्स एंड दैट प्रोपगेट थ्रू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स राइजोम किसका होता है टर्मरिक एंड बनाना उसको हम राइजोम बोलते हैं ठीक है बल्ब आपका किसमें आता है अनियन और गार्लिक उसको हम बल्ब बोलते हैं लीफ बर्ड्स जो होते हैं ठीक है वो बेगोनिया एंड ब्रायोफाइलम स्टेम कटिंग शुगर केन एंड बैम्बू ठीक है हर्षित क्लास में बैठ के नहीं खाते हैं नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं यूनाइट करते हैं ये ज्वाइन आपस में करते हैं ठीक है तो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट जायगोट बनता है और जायगोट जो होता है वो दैट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं नेक्स्ट इतनी है हमारी पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन क्या है कि फ्लावर्स में ये प्रोसेस देखी जाती है जिसमें पोलन्स जो होते हैं फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू फॉर्म अ सीड ठीक है इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एंथर में से निकल कर कहाँ जाते हैं कहाँ ट्रांसफर होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं और सीड की फॉर्मेशन होती है दैट इज अ पॉलिनेशन नेक्स्ट नंबर 3 ये डायग्राम किसका है तो ये जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है ये इसमें बडिंग हो रही बडिंग ईस्ट का है ये डायग्राम ईस्ट सेल दिख रहा है इसमें ईस्ट ग्रो कर रहा है साइज में इसकी जो आउट ग्रोथ होती है उसको हम बड बोलते हैं छोटी सी ऊपर से गोल सी आउट ग्रोथ है ठीक है इसको हम बड बोलते हैं फिर जो आपका पेरेंट ईस्ट है जो ओरिजिनल ईस्ट है उसको हम पेरेंट सेल बोलेंगे जिसमें से बड बन रही है ठीक है और जो बड है उसको हम डॉटर सेल बोलेंगे समझ में आ गई बात ये किसका स्ट्रक्चर बना है ईस्ट का है तो ईस्ट में छोटा सा सर्कुलर शेप में एक बाहर से आउटग्रोथ सी निकल रही है बाहर की तरफ एक कली सी निकल रही है बड जिसको बोलते हैं तो उस बड को हम डॉटर सेल बोलते हैं और जो पेरेंट से निकल जो
ओरिजिनल ईस्ट से वो जो आउटग्रोथ निकल रही है उस ओरिजिनल ईस्ट को हम पेरेंट सेल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेगा ये बर्ड जो होगा अपने पेरेंट से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, रिजल्टिंग डॉटर सेल देन ग्रोज टू द मैच्योरिटी एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये अलग हो जाता है पेरेंट से, पेरेंट सेल से डिटैच हो जाता है, ग्रो करता है, फिर मैच्योरिटी लेवल जैसे ही अटेन करता है फिर से उसमें आउटग्रोथ होना शुरू हो जाती है और इस तरह से ये प्रोसेस जो होती है वो गो थ्रू होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम ही करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम, हमें असाइनमेंट कब मिलेंगी? मैं आपको असाइनमेंट्स जो होती है वो मैं दे दूंगी, ठीक है, होम सेंड करूंगी। ठीक है, आपको असाइनमेंट्स में सेंड कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक बार क्वेश्चन नंबर 4 दिखा दो मैम, मैंने किया नहीं है बेटा, अभी तो क्लास भी ऑफ होने वाली। Just a bit. Question number.